हेलो फ्रेंड्स, तो आज की रेसिपी के लिए मैंने ये घर का बना हुआ मावा लिया है जो लगभग 400 ग्राम है, और ये कुटी हुई हरी इलायची है, और 1 किलो कंद लिया है जिसमें ये सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे। ये मिठाई बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं ये लड्डू। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नई नई वीडियो देखने के लिए बेल का बटन भी दबा दें। तो हाथ मैंने साफ कर लिए थे, और उसके बाद इसमें हमने घी लगाया है जिससे कि ज़्यादा हाथ चिपचिपे ना रहें और लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। लड्डू को अच्छे से दबा दबा कर गोल करना है, और बादाम मैंने बीच में से आधे काट लिए थे वो लगाएंगे। उसके बाद क्रश कोकोनट लगाएंगे। तो लड्डू हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है, और ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं, एक बार बनाकर ज़रूर देखें। तो इसी तरीके से सारे लड्डू हम बना लेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताएं जब भी बनाएं कि आपको कैसे लगे ये लड्डू। मुझे तो बहुत पसंद है ये लड्डू, और इससे आसान रेसिपी मुझे कोई सी नहीं लगती, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और घर में सभी को बहुत पसंद आते हैं।